गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के दिसंबर 2023 के एग्जाम के सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो ये एग्जाम है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉमर्स सीरीज। कॉमर्स सीरीज के स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे कमिंग एग्जाम के लिए हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम, और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, JRF होना चाहिए। ठीक है, अब इसके जो हम जो JRF को टारगेट करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये स्टडी करना है कि हमारा सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, और फाइनल में आपको कैसे जो है, इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग और नॉट, ये सब चीजें हम जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। ये है हमारा सिलेबस जो कि हमें यूजीसी की साइट से, ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर जो है सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हमारा जो सिलेबस है, हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स और इसका कोड नंबर है 8। एज यू नो, यूजीसी के दो एग्जाम्स होते हैं, दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर वन और दूसरा होता है पेपर टू। पेपर वन जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, और जो पेपर टू होता है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स करी है उस सब्जेक्ट का जो है वो पेपर होता है। अब इस पेपर में, जो कॉमर्स के पेपर में हमें जो कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमें इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का। दैट मीन्स हमें जो है ये 200 मार्क्स का जो हमारा होता है वो पेपर 2 होता है। अब ये बात आती है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। नो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपके पेपर में नहीं होती है। जो पेपर वन होता है वो आपका 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और वो 100 मार्क्स का होता है। और हमारा जो टोटल पेपर है वो क्या होता है यूजीसी नेट का, 300 मार्क्स का होता है। और जो हमारी परसेंटाइल भी बनती है वो टोटल पेपर के बेसिस पे बनती है। लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। जो पूरी कॉमर्स यूनिट होती है वो टोटली 10 यूनिट्स में जो है वो डिवाइड होती है। अब इस 10 यूनिट्स में सबसे पहले जो हमारी यूनिट है वो हमारी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस की। इसमें किस तरह के कंसेप्ट आते हैं, इसमें जो आते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पोलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, ये सारे कंसेप्ट हो गए। सेकेंड में इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुई, मोड्स क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्रीज के, थ्योरीज क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की, इन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स बैरियर्स एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज FDI। ठीक है, FDI पढ़ेंगे, FDI पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली FPI भी पढ़ना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ FDI हो गया, कॉस्ट और बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ट्रेंड्स क्या है FDI के, एंड लास्ट वन इज इंडिया की FDI पॉलिसी क्या है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज देयर, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से जो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डील करता है। फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कौन कौन सी करी गई है, उसके लेवल्स क्या है, एशियान, साक, नाफ्ता, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, लाइक IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UNCTAD हो गया, ये हमें जो इमरजेंसी के टाइम में हमारी कंट्री को जो है हेल्प करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइक फॉरेन कंट्री के साथ हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हो गए, लाइक GATS, TRIPS, TRIMS, दीज आर द सम ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद यूनिट सेकंड जो है वो अकाउंटेंसी से डील करती है एंड ऑडिटिंग से डील करती है। अकाउंटेंसी में जो है हम बात करेंगे अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स की, कुछ कंसेप्ट्स की, कुछ अजम्पशंस की, कुछ पोस्टुलेट्स की। फिर पार्टनरशिप अकाउंट की बात करेंगे तो उसमें एडमिशन आ गई, डेथ आ गई, रिटायरमेंट आ गई, रेजोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी आ गई पार्टनरशिप फर्म्स की। फिर आती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कितने शेयर्स इशू करे, फॉरफीचर आ गया, लिक्विडेशन आ गई कंपनीज की, एक्विजिशन मर्जर आ गया, ठीक है। फिर होल्डिंग अकाउंट्स आ गए। देन नेक्स्ट वन इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस आ गया, मार्जिनल कॉस्टिंग आ गई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गई, बजटरी कंट्रोल, ABC कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, दीज आर द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो कि हम BCom में जो है स्टडी करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें हम रेशो करते हैं, फंड फ्लो करते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं, ये भी जो सारा का सारा हम BCom में स्टडी करके आए होते हैं इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हो गया, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हो गया, देन
ऑडिटिंग के अंदर जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं एंड IFRS आ गए हैं, जो IFRS होते हैं इसमें जो है इसमें से सबसे ज्यादा जो है MCQs आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इन द मैचिंग फॉर्म. उसके बाद ऑडिटिंग हो गया, इंडिपेंडेंट ऑडिट, वाउचिंग, दीज आर द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिटिंग बुक जो कि हम बीकॉम में स्टडी करते हैं. ग्रेजुएशन लेवल में सारी ऑडिटिंग की बुक होती है हमारे पास. फिर रिसेंट ट्रेंड्स जो भी हमारी ऑडिटिंग में चल रहे हैं वो सब स्टडी करने हैं. एंड द थर्ड यूनिट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमारे पास मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेसिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर्म्स. फिर बेसिक्स से बात करेंगे, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमारे डिमांड जो है वो हम स्टडी करते हैं. फिर हम कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, उसमें डिफरेंस कर्व एनालिसिस हो गया, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये सारा जो है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करती है, ठीक है. ये बेसिक्स है, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही हमने स्टडी करनी है, दोनों ही एग्जाम में आएंगे. आगे फिर और है नेक्स्ट में हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट, प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग. नाउ इट्स टर्न फॉर द बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंस में sources, first of that is very important, that is the sources of finance. Capital structure is there, capital budgeting is there. जो भी आपने financial management में MCOM में financial management करी है या BCOM में financial management करी है उसी के ये सारे वो है. Working capital management, we have already done that. Risk and return analysis, international monetary system, FDA exchange rates are there, and international financial markets and international arbitrage. नाउ यूनिट 5 जो है वो हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड से डील करती है. इसमें हमारी बेसिक सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मींस मीन मीडियन मॉड आ जाएगी, डिस्पर्शन आ जाएंगे, स्क्यूनेस आ जाएगा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस आ जाएंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी जो कि हम बीकॉम बैचलर्स लेवल में करते हैं, प्रोबेबिलिटी दोनों ही बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. फिर रिसर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च का जो सब्जेक्ट है आपको एक पेपर वन में भी आएगा. फिर सैम्पलिंग, मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नंबर ऑफ टेस्ट स्टेट्स, देयर अजम्पशन, एंड लास्ट वन इज रिपोर्ट राइटिंग. नाउ बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज योर यूनिट 6. फर्स्ट वन इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस मैनेजमेंट. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, वेदर इट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ऑल थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करिए, उसका कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, रोल, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, 360 डिग्री अप्रेजल्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. नेक्स्ट वन इज यूनिट 7, दैट इज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक्स, वेदर इट इज अ कमर्शियल, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट, मॉनेटरी रिफॉर्म, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये कब इस्टेब्लिश हुए, क्या इनके फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, डिजिटलाइजेशन जो भी हो गई है रिसेंट टाइम्स में, और ये इंश्योरेंस जो भी है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस. नेक्स्ट यूनिट जो हमारी डील करती है, दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट. दैट इज द हमें बेसिक कंसेप्ट मार्केटिंग के करने हैं, अप्रोचेस करनी है, देन प्रोडक्ट डिसीजन, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दीज आर द सम ऑफ द कंसेप्ट्स. फिर प्राइसिंग डिसीजन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज हैं. नेक्स्ट है प्रमोशन के क्या डिसीजंस हैं, रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड्स आर देयर, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग आर देयर, डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बाइंग प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन सर्विसिंग मार्केटिंग, लाइक सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट.
अब है यूनिट 9 जो कि हमारी लीगल एस्पेक्ट से डील करती है। लीगल एस्पेक्ट के बाद जो भी हमने अपने कमर्शियल लॉ, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ जो पढ़ा है वो सारा इसमें आएगा। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके एसेंशियल्स हो गए, ब्रीच राइट्स एंड लाइबिलिटीज होगी, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो हम बिजनेस लॉ में पढ़ के आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी पढ़ के आए हैं, कंपनीज एक्ट की कंपनी लॉ की पूरी बुक होती है ना, LLP हो गया, कंपटीशन एक्ट 2002 कब हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोविजंस है, क्या सेक्शंस है, ये सब कुछ हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो है माइंड में रखना है। RTA एक्ट हो गया, IPR हो गया, एंड लास्ट वन इज GST, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे काम करती है GST, क्या बेनिफिट्स है, क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। एंड द लास्ट यूनिट इज यूनिट 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो है, एक हम एमकॉम में पढ़ते हैं, एक जो हम है अपने बैचलर्स लेवल में स्टडी करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, है ना, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, क्या इसकी एग्जेम्प्टेड इनकम्स होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स, डिडक्शंस वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन लाइक डबल टैक्सेशन के इसके सेक्शंस हो गए, है ना, कितनी कितनी अमाउंट होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, तो ये सारे कंसेप्ट जो है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, टैक्स कंसिडरेशन इन बिजनेस सिचुएशंस, डिडक्शन एंड TDS हो गया, TCS हो गया, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ई फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये सारा जो सिलेबस है, बेसिकली जो भी हमने अभी तक प्लस टू से लेकर, बेसिक से लेकर अभी तक मास्टर्स तक जो भी सब कुछ स्टडी करा है, वो सब कुछ सिलेबस में होता है। आपको पता है एग्जाम देने के लिए आपके जो मास्टर्स हैं वो क्वालिफाई होने चाहिए, तो जिस बच्चे ने पहले ही मास्टर्स कर रखी है तो वो इस सब सिलेबस से, अगर उसके पहले ही कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर है तो उसको बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको जस्ट अपने कंसेप्ट को गो थ्रू होने की नीड है, देन ही विल डेफिनेटली क्रैक द JRF। ठीक है, JRF is very important for continuing your, you know, further studies, for going into the PhD and all. Okay, that's a different concept. And for getting the more videos on the commerce series, please subscribe my channel. Thank you. That's it from my side. Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos.